हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ग्रिल पिज़्ज़ा चीज़ सैंडविच। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनने वाला ये सैंडविच है और बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में हम डालेंगे हाफ कप बारीक कटी हुई गाजर। तो यहाँ पे आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, लेकिन बिल्कुल बारीक कटी हुई होनी चाहिए। साथ ही में हम इसमें डालेंगे हाफ कप ही बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, और इसमें डाल देंगे हाफ कप बारीक कटी हुई प्याज, और साथ ही में डाल देंगे हाफ कप इसमें टमाटर बारीक कटे हुए। तो जो टमाटर का अंदर का पार्ट है वो निकाल लेना है। और अब इसमें हम डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस, तो ये हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच। तो पिज़्ज़ा सॉस की क्वांटिटी आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं अगर आपको उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है तो। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे टमाटो केचप, तो ये हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब। इसकी क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे, ये है पिज़्ज़ा हर्ब्स एंड स्पाइस, ये हम इसमें डाल देंगे। इससे जो इसका टेस्ट है बहुत यम्मी आएगा। या फिर आप अलग से यहाँ पे चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं या ऑर्गेनो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसे डालने के बाद अच्छी तरीके से इन्हें मिक्स कर लेंगे। और बस सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे चीज़। तो यहाँ पे ये मैंने लिया है 1 छोटा कप, ये है मोज़रेला चीज़ जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, ये डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस आपको ध्यान रखना है, इस सैंडविच में आपको चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा ही यूज़ करना है। तो ये जो स्टफिंग है वो बनके रेडी है, इसे उठा के अब हम साइड में रख देंगे। और अब हमें लेनी है ब्रेड। तो यहाँ पे मैंने ये ली है वाइट ब्रेड, आप इसकी जगह पे ब्राउन ब्रेड का यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने सैंडविच वाली ब्रेड ली है, ये ब्रेड थोड़ी सी बड़ी होती हैं, आप नॉर्मल ब्रेड भी इसमें ले सकते हैं। तो सबसे पहले दोनों ब्रेड के ऊपर हम लगाएंगे मेयोनीज़। तो मेयोनीज थोड़े से अच्छे से ही लगानी है, मतलब ज़्यादा लगानी है चारों साइड से अच्छे से। तो आप देख सकते हैं दोनों ब्रेड के ऊपर मेयोनीज लगा ली है। अब हम एक ब्रेड के ऊपर ये जो हमने स्टफिंग बना के रेडी की है इसको अच्छे से फिल कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से स्टफिंग को ब्रेड के ऊपर हमें लगाना है अच्छे से। अब हम दूसरी ब्रेड लेंगे और इस वाली ब्रेड के ऊपर रखेंगे और हल्के हाथों से इसे दबा देंगे। और अब हम इसे सेकेंगे। और इसे सेकने के लिए यहाँ पे मैंने ग्रिल पैन गरम करने के लिए रख दिया है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा बटर इस तरीके से डालेंगे और फैला लेंगे और इसके ऊपर इस ब्रेड को रखेंगे। आप चाहें तो ब्रेड के ऊपर बटर को लगा लें और फिर उसे ग्रिल पैन पर रख दें। अब इसे थोड़ी देर तक हम सिकने देंगे। तो जितनी देर में नीचे वाली साइड से ब्रेड सिक रही है उतनी देर में हम ऊपर अच्छे से बटर को लगा लेते हैं ऊपर वाली ब्रेड पे। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रहने देंगे और बस जैसे ही नीचे से ब्रेड अच्छे से सिक जाएगी हम इसे पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, एकदम क्रिस्पी हो गई है ब्रेड। बस हल्के हाथों से इसे इस तरीके से दबाते रहें। तो दोनों ही साइड से ये ब्रेड बहुत ही अच्छी तरीके से सिक चुकी है, एकदम क्रिस्पी हो गई है। और ये जो सैंडविच है वो बन के रेडी है। मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ, ये देखिए। तो ये सैंडविच आप बच्चों को बना के दीजिए, बच्चे ये पूरा सैंडविच फिनिश कर जाएंगे। वैसे भी बच्चे वेजिटेबल्स खाने में बहुत ड्रामे करते हैं, तो इस तरीके से आप बच्चों को वेजिटेबल भी खिला सकते हैं। और अब मैं आपको इसे कट करके दिखाऊंगी कि अंदर से ये कितना चीज़ी बना है। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। और ट्राई करने के बाद प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बस मैंने इसको कट कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना चीज़ी है और बहुत ज़्यादा गर्म है ये। ये देखिए एकदम चीज़ी बना है। आप चाहें तो इसके ऊपर और चीज़ को ग्रेट करके डाल सकते हैं, उससे तो ये और भी ज़्यादा यम्मी लगेगा। तो बस देर किस बात की, जल्दी से आप इस सैंडविच को बनाइए और खाइए। आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ,
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर ना करते हुए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।